आप कीचड़ का लेवल देख रहे हो। नोट करी स्कॉर्पियो का ऑटोमेटिक बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। देखो अब आगे कितना स्लश है। ओहो स्किड कर रही है टायर। भाई कहां से ये लैंडस्लाइड हो रखी है, या तो मैं साइड से निकालूं। नहीं नहीं साइड से तो निकल नहीं सकती, यहीं से जाना पड़ेगा। चांशल पास इज नॉट इजी, बारिश में बहुत रिस्की है। क्वार और 40 किलोमीटर है। एक साइड पे आपको उत्तराखंड के पहाड़ मिलेंगे और गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 6। थोड़ी देर में यहाँ से अपन निकलेंगे चांशल पास के लिए अपनी ये गाड़ी को लेके। तो भाई नहा धो के हुए हैं रेडी, टाइम 7:22 और अभी बस निकलते हैं यहाँ से चांशल पास के लिए। बाकी ये देखो क्लाउड्स, ये देखो, देख रहे हो कैसे आंख मिचोली खेल रहे हैं सुबह से क्लाउड्स। ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और अपने को जाना है इस साइड, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आज इस गाड़ी का टेस्ट होगा। हो गए रेडी, चलें। चलो भाई डेस्टिनेशन लगा दिया चांशल पास। 39 किलोमीटर से अपने होम स्टे से और टाइम 7:40। बोलो हर हर महादेव, शिव शंभू। लगाते हैं गियर और चलो जी यहाँ से ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं। 2 घंटे लग रहे हैं 40 किलोमीटर के सिर्फ, तो सोच सकते हो आप भाई रास्ता इजी नहीं रहने वाला है। बट बाकी आपको अपडेट करेंगे कि कितना मुश्किल है या नहीं है। ठीक है अंकल जी, आते हैं हम। ओके जी, थैंक यू। कि भाई पानी का फ्लो देखो, अच्छा खासा फ्लो है और खा ले रहा उसमें। गंदी बातें मत करो सुबह सुबह। और भाई सामने मौसम भी अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये रहता है कि आपको अगर हाई पास पे जाना है तो मॉर्निंग में निकल जाओ, क्योंकि दोपहर के बाद मौसम खराब होने लगता है। देखो अब बढ़िया भाई, भाई साहब फ्लो तो बड़ा ही तगड़ा लग रहा है रिवर का। बाकी अगर मैं यार चांशल पास के बारे में बताऊं, एक बार विंडो बंद कर लूं, आवाज आती है। तो चांशल पास हिमाचल प्रदेश में एक हाई माउंटेन पास है, करीब 12,500 फीट हाइट है और ये कनेक्ट करता है डोडरा क्वार। 2 विलेजेस हैं जो कि जितना मैंने वीडियोस में देखा है वो रिमोटेस्ट विलेज है हिमाचल प्रदेश की। तो 2007 में ये रोड बना था, उससे पहले लोग वही पहाड़ चढ़ के उतर के और ऐसे काम करते थे, ऐसे कनेक्टिविटी रखते थे। तो 2007 के बाद ये रोड बना दिया जिसका नाम है चांशल पास, जो कि ये लगा लो अब 4-5 महीने तो स्नो की वजह से बंद ही रहता है। और जो डोडरा क्वार 2 विलेजेस हैं वो पड़ती हैं हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पे बिल्कुल। तो ये जो सामान वगैरह लेते हैं तो वो उत्तराखंड की साइड से भी आता है इनके पास विंटर्स में। रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़े दूर तक इनको वही पहाड़ वगैरह चढ़ के ही जाना पड़ता है। बाकी क्वार ये लिखा हुआ है 82 किलोमीटर से यहाँ से लास्ट विलेज हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। एंड का 10-12 किलोमीटर रोड काफ़ी ख़राब है और बारिश का टाइम हो जाता है रिस्की। तो देखते हैं क्या कुछ मिलता है, बाकी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कौन सी गाड़ी जा सकती है। वैसे तो सभी गाड़ियाँ जा सकती हैं अगर वेदर ठीक हो तो, इतना सारा गेम ही वेदर का है एक्चुअल में पासिस पे। ओहो भाई ये क्या, डॉग मर गया और दूसरा डॉग उसको खा रहा है, देख रहे हो, मतलब पहाड़ नीचे आया हुआ है ये।
अरे गलती हो गई गुरु, अभी तो कुछ भी नहीं चले, तो काफी लैंडस्लाइड वाला जोन है भाई ये वाला। तो आगे वाटर क्रॉसिंग भी मिल गई, बारिश तो हो रखी है भाई यहाँ लास्ट एक दो दिन से, कम हुई है ऐसा बता रहे हैं बंदे, लेकिन बारिश हुई है, हो रही है, ठीक ठाक बारिश हो रही है। पानी में धीरे से, ये देखो चिरगांव / सुंदा, ये क्या है स्कूल है, ये चिड़गांव तो बड़ा सा गांव है थोड़ा भाई। चिड़गांव में अपने को मिल गया ये पंजाबी वैष्णो ढाबा, दो पराठे ले लिए आलू के 120 रुपए में। इसको कहीं आगे खुली जगह मिल जाएगी ना, वहाँ वहाँ खाएंगे आराम से साइड में गाड़ी लगा के, क्योंकि टाइम अभी है अपने पास, धूप निकल गई तो इतनी कोई इशू है नहीं। बस आ रही है इससे पहले, जल्दी से अपन यहाँ से बढ़ते हैं आगे। चलो जी चिड़गांव को क्रॉस करते हैं, आगे खुली सी कोई जगह आ जाए एक साइड में गाड़ी लगा के अगर खा पाए तो। क्या लगा है राइट है ना अपना चांशल इज राइट, 37 किलोमीटर चांशल, ये गूगल 33 बता रहा है, पहाड़ों में गूगल को ट्रस्ट मत करना भाई। भाई रोड अभी से खराब हो गया है और रात को काफी बारिश हुई है, आंटी बता रही थी जो अभी इधर ढाबे में मिली अपने को। बाकी ओहो हिचकोले खाने पड़ रहे हैं, ये पत्थर है भाई पत्थर। और भाई बस वाला तो कैसे भगा के लेके जाते हैं बस वाले। जगह देखो भाई क्या जगह मिली है, ये अपनी गाड़ी लगा दी, अब अपन यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है अपने को। देखो ये रही लोकेशन, देखो लग रही है ना एक नंबर, और गाड़ियाँ इक्का दुक्का ही हैं, कोई नहीं जा रही गाड़ियाँ आगे। देखते हैं कैसा अपने को नज़ारा मिलता है, बाकी यहाँ तो नज़ारे एक नंबर है, बहुत बढ़िया वेदर है, 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, एक नंबर है। और अच्छी बात है कि धूप निकली हुई है, बारिश हो जाएगी तो बहुत रिस्की हो जाएगा। ये देखो फ्रेम एक नंबर भाई, भाई साहब कीचड़ का लेवल देख रहे हो, यहाँ तो बाइक वाला कैसे चला जाएगा भाई। ओहो भाई साहब बिल्कुल गाड़ी फिश टेल की तरह हिल रही है पीछे से, बहुत गंदा कीचड़ था ये तो। मेरी सारी गाड़ियां नीचे, चंचल पास इजी नहीं लगने वाला भाई, कीचड़ है बीच बीच में, ये वाला तो बहुत ज्यादा वाला था, 4x4 लगाना पड़ेगा ऐसे कीचड़ में अपने को। अपने पास जब ऑप्शन है तो अपने को 4x4 लगा लेना चाहिए ऐसे कीचड़ वाली जगह पे, ताकि गाड़ी हमारी एकदम छिपकली की तरह पैर जमा के निकले। क्या बोला तूने? इस लेना भाई, हमने अब पहाड़ चेंज कर लिया, चढ़ाई शुरू कर दी है। ये देखो रिवर का लेवल पीछे, और मेरे को गाड़ी रिवर्स में लेनी पड़ेगी क्योंकि ये पंगा बहुत है भाई, यहाँ पे रोड बहुत संकरा है और पत्थर वगैरह भी पड़े हैं इधर साइड में, क्योंकि जगह कम है और पत्थर पड़े हुए हैं पीछे, देखो पड़ के देखो पत्थर है, और रास्ता बहुत जगह पतला है और टूटा हुआ है, और मुझे देख के लग रहा है कि अपने को कहीं ना कहीं 4x4 लगाने की जरूरत पड़ जाएगी जिस हिसाब से बारिश हो रखी है और रोड खराब है। अरे भाई हट लो, अबे डॉगी भी देख रहे हो लेवल इन डॉगियों का कैसा है, देखो भेड़ जैसे डॉग्स हैं। अब कौन सा गांव है, लड्डोट 10 किलोमीटर, और ये बंदे देखो मेहनत कहां कहां से लेके आते हैं यार, ये क्या विशाल काय पहाड़ है साइड में देखो, और अब हम हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं। रास्ता पतला है लेकिन अभी तक मतलब सारी गाड़ी आ सकती है, कोई इशू है नहीं। यहाँ से और 25 किलोमीटर है चांशल पास, और अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है यार, और बारिश होनी नहीं चाहिए ऐसे रास्ते पे,
क्योंकि रास्ता ख़राब है, पत्थर गिर सकते हैं और रिस्की हो सकता है बारिश में बहुत ज़्यादा। बाकी देखते हैं, अभी तो मज़ा आ रहा है, एक नंबर भाई, एक नंबर एडवेंचरस। देखो कितना पतला पतला रास्ता है, एक ही गाड़ी जाने की जगह है। एक चीज़ मैंने नोट करी, स्कॉर्पियो एन का ऑटोमेटिक बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे भी एकदम तगड़ा इंक्लाइंड आता है ना, खड़ी चढ़ाई आती है, तो गियर शिफ्ट नहीं कर रहा अननेसेसरली। 2500 RPM तक तो बड़े आराम से उसी गियर में रख रहा है ताकि पावर भरपूर मिले, तो बिल्कुल भी इशू नहीं हो रहा है भाई। डॉग्स खतरनाक है, गाड़ी में ना ये जंप कर लें। ये बोर्ड लगा है कुछ चांशल पास का, लगा है किस चीज़ का है भाई। बारिश ने कर रखा है इस रास्ते को डिफिकल्ट काफ़ी। अदरवाइज चैलेंज एक ही है कि रोड पतला है, अदरवाइज तो सब सही है। बारिश ने थोड़ा सा टफ कर दिया कीचड़ की वजह से। अपनी साइड ध्यान रखना, ये थोड़ी सी ऐसे कर लें, कल साइड व्यू मिरर भी बंद करना पड़ेगा। निकल गए भाई। यहाँ पे भी दोनों साइड ना रोड के एप्पल्स के ट्रीज है भरपूर, आप कितने ही तोड़ो कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ, क्योंकि एक पेड़ पे 100-150 किलो लगे हुए हैं। और लेबर भी देखोगे सारे ऐसे खाते हैं। हाँ, सब सेब ही खा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसीलिए डॉक्टर से जरूरत नहीं पड़ रही होगी बिल्कुल भी। इतने सेब तो मैंने कहीं देखे ही नहीं, पूरी बेल्ट में सेब हैं भाई। ये सब एप्पल्स भरे हुए हैं, ये सामने देखो कितने एप्पल्स ही एप्पल्स हैं। कोई नहीं मना करने वाला अगर आप तोड़ लोगे एक आधा तो। 18 किलोमीटर बचा है और अब ऐसा रास्ता आ गया, और आई थिंक ये रास्ता ऐसा ही चलेगा अब चांशल पास तक। तभी 18 किलोमीटर के 1:09 दिखा रहा है गूगल भी। ये इन्होंने पत्थर तो डाल रखे हैं ताकि मतलब ज़्यादा स्लिपरी ना हो, बट रोड बना नहीं हुआ तो तेज़ आप जा नहीं सकते हो। और भाई साहब रास्ता बहुत ख़राब है और पतला बहुत, और बीच बीच में गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है। अब ये देखो, ये देखो भाई साहब, यहाँ चढ़ाई करनी है पत्थरों पर। मज़ेदार भाई, मज़ेदार भाई, क्या गाड़ी चल रही है हिचकोले खा के। ये असली एडवेंचर है। 1 और लगेगा अभी तो अपने को ऐसे ऐसे धीरे धीरे चढ़ने पे। गाड़ी की स्पीड आप देख लो, 10-15 किलोमीटर पर आर से ऊपर जा नहीं पा रही है क्योंकि पूरा ही रोड ऐसा है। बीच बीच में घर ज़रूर बने हुए हैं जिनके अपने ये बाग हैं, जहाँ पे ये देखो एप्पल्स लगा रखे हैं। ये आ गया गाँव भाई, शिलादेश। ओह, अच्छी खासी हाइट पर आ गए हम। डॉग्स हमें बच्चों का छोड़ कर जा रहे हैं स्कूल। ये डॉग्स जितने दिख रहे हैं ना, जो बच्चे हैं अपने उनको स्कूल जा रहे हैं बच्चे अकेले, तो डॉग साथ में हैं उनके साथ साथ, अपने स्कूल में छोड़ आएंगे डॉग। बाकी भाई तगड़ा एडवेंचर है, मतलब सारी गाड़ी कर सकती है। अभी तक जो रूट अपन ने लिया है सारी गाड़ी आ सकती है, बस आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको मज़ा आना चाहिए, तब सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। वो तो स्नो वगैरह होती है तब ज़्यादा दिक्कत होती है, ग्राउंड क्लीयरेंस की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और छोटी गाड़ी हो तो और आराम से आ सकती है, अपनी तो बड़ी ज़्यादा है तो साइड देने में तकलीफ़ होती है बीच बीच में। बाकी साइड में पहाड़ के लेवल पे ही आ गए हम, जो नीचे से देख रहे थे। मज़ेदार एक्सपीरियंस है भाई, चांशल पास इतना भी इजी नहीं है और उतना भी टफ नहीं है अभी तक तो। चांशल 20 बता रहा है माइलस्टोन और हमारा गूगल 17 बता रहा है। तगड़ा स्लश है बीच बीच में, लेकिन अभी तक 4x4 लगाने की अपने को कहीं जरूरत पड़ी नहीं है। देखो आप स्लश अभी तक लगाया नहीं है, अपना 4x2 पे ही चल रहे हैं आराम से, और एक बार भी गाड़ी ने स्किड नहीं की है भाई। पावर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जैसा अपना यूज़ केस है ना गाड़ी का, हमने सही गाड़ी ली है अभी तक तो। तेल ज़रूर पीती है बट भाई
मतलब हल्का सा एक्सेलरेटर पेडल ही दबा रहा हूँ मैं, गाड़ी अपने आप चढ़ रही है। इतना ज़बरदस्त लो एंड टॉर्क है गाड़ी में कि आपको एक्सेलरेट ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे तो टायर स्किड करते हैं। बाकी ज्ञान हो गया, ये नज़ारे देखो, बहुत लंबी वीडियो बनेगी भाई चंचल पास की, बट देखनी है तो देखना, मज़ा आएगा। अब आ गया भाई, बारिश की वजह से हो रखा है सारा काम ही। क्या व्यू है भाई, चलते चलो भाई। यहाँ तो बहुत ज्यादा स्लश है, 4x4 नहीं लगाया अभी। खैर मैंने, देखो गाड़ी कैसे उछल रही है कैमल की तरह जा रही है। ओहो, चलो निकल गए। वाह, व्हाट एन एक्सपीरियंस मैन, व्हाट एन एक्सपीरियंस। बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है भाई, ड्राइविंग का शौक है ना, चंचल पास आओ, मज़ा आ जाएगा आपको, आपके को सारे चैलेंजेस मिलेंगे। स्लश भी है, बिल्कुल पतला रास्ता भी है, खड़ी चढ़ाई भी है, ख़राब रास्ता है, बट मज़ा पूरा है भाई, मज़ा पूरा है। अब ये ढाबे ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है तो चाय पी लेते हैं, ये प्रॉब्लम है अपने साथ। चलो, काफ़ी स्लश फिर से आ गया। ये तो अपने ऑल टेरेन टायर्स अपना साथ भरपूर दे रहे हैं कि गाड़ी स्किड नहीं कर रही है, वरना रेंज में थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत स्लश है बीच बीच में। यस, काफी ऊपर आ गए हम लोग, अब रास्ता आया है, देवदार के ट्रीज आ गए ना, हम काफी हाइट पे आ गए हैं, ओक ट्रीज, फिर स्लश अच्छा खासा। निकल गए जी, केक वॉक, पीस ऑफ केक फॉर स्कॉर्पियो एन। ये लो भाई, आवाज सुन रहे हो, आवाज, क्या आवाजें आ रही हैं, झिंगुर हैं क्या हैं पता नहीं, बाकी वहां कहीं से आ रहे हैं हम, उधर कहीं से नीचे से, काफी वहां से काफी ऊपर आ गए हैं, जबरदस्त मजा आ गया भाई, गाड़ी अपना अल्टीमेट परफॉर्म कर रही है। स्कॉर्पियो एन भाई, आपको एडवेंचर करना है ना भाई, बहुत जबरदस्त गाड़ी है, टच वुड भाई, मजा आ रहा है ड्राइव करके। अभी और 10-12 किलोमीटर बची है, और कोई गाड़ी आ रही है शायद, तो अपन चलते हैं, एक फ़ोटो खींच लेता हूँ गाड़ी का। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट मज़ा, क्या फीलिंग है, 20-21 डिग्री टेम्परेचर है, अल्टीमेट फीलिंग। गाड़ी देखो क्या लग रही है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है अपनी गाड़ी, स्कॉर्पियो एन का नेचुरल हैबिटेट यही है, जैसे अपना भी यही है, एडवेंचर। चलो जी, क्या अल्टीमेट आवाज आ रही है ना, वो एक ही रहा होगा, इतने बड़े साइज का दिखा, इतने बड़े साइज का, जब हम बिनसर गए थे तभी तो ऐसी आवाज थी रास्ते में पूरे रास्ते। बहुत ज्यादा तेज आवाजें हैं ये, पता नहीं कौन से बर्ड्स की हैं एक्चुअल में इतनी तेज आवाज, कोई कीड़े तो नहीं कर सकते होंगे इतनी ज्यादा आवाजें। ओहो, स्लश। अब ये देवदार के ट्रीज का जो पहाड़ है, इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलेंगे हम, फिर से स्लश भाई, बारिश में टफ है आना गाड़ी से, वैसे तो आ सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है। देखो अब आगे कितना स्लश है, कोई गाड़ी नहीं। हाँ, गाड़ी कोई भी नहीं है, एक भी टूरिस्ट नहीं है, काफी देर से ये जंगल में चल रहे हैं, पूरा जंगल है ये वाला, तो देवदार का जंगल, बट यहाँ रोड चौड़ा हो गया, ये अच्छी बात है, यहाँ पे रोड इतना ज़्यादा संकरा नहीं है,
ज्यादातर जगह सही विड्थ है, दो गाड़ियां निकल जाएंगी। यहाँ फिर पतला आ गया भाई बोलते ही मेरे। हर जगह से पानी गिर रहा है। सिंगल गाड़ी भी नहीं दिख रही भाई, सिंगल एक भी टूरिस्ट नहीं है, जबकि इतना लंबा वीकेंड है। ओहो काफी स्लश आ गया। बहुत ज्यादा स्लश है भाई, फिश टेल हो रही है गाड़ी, पीछे से टायर थोड़े थोड़े स्किड से करते हैं। बारिश में आना बहुत रिस्की है। अच्छा है आज अपना लक साथ दे रहा है कि धूप निकली हुई है, वरना तो ये माहौल और डरावना हो जाता। बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं है कोई भी। लास्ट लरोट गांव आया था नीचे, उसके बाद एक सिंगल बंदा नहीं है ना कोई गाड़ी है, और आप स्लश देख ही सकते हो रोड पे कितना ज़्यादा है। टायर लेफ्ट राइट जा रहे हैं। हाँ वाटर क्रॉसिंग हो जाती है, इन्होंने पानी साइड से निकाल रखा है सारा, वरना तो इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ ना। अरे बाइक आई हुई है भाई, कौन भाई है ये? किसी की लेबर वगैरह जो बंदे काम करते होंगे, या तो खराब हो के खड़ी करी हुई है बाइक, छोड़ गया कोई, खराब हो ही लग रहा है। बहुत पानी है साइड में, बहुत पानी और रोड पे बहुत ज्यादा स्लश हो गया। आप तो चांशल पास इज डिफिकल्ट भाई। पानी ही पानी बह रहा है हर जगह से, इतने सारे वाटरफॉल्स बने हुए हैं। देखो ओ भाई पूरा ही कीचड़ स्लश आ गया, पूरा भरपूर तो पानी। ओ भाई थोड़ा सा जोर लगा गाड़ी पे, अब तो पानी रोड पे ही आ गया है। और चढ़ाई भी बढ़ गई एकदम से, अभी 10 किलोमीटर के करीब बचा हुआ है, 10-11 किलोमीटर। ओहो स्किड कर रही है टायर, 4x4 लगाऊंगा अब मैं, मुझे लग रहा है लगा लेना चाहिए 4x4। पूरे रास्ते पे पानी है, हर जगह से पानी आ रहा है। यहाँ फ्लैट वाले एरिया पे 4x4 लगाता हूँ, क्यों अपने पास जब प्रोविजन है तो क्यों ना लगाएं भाई। फोर व्हील हाई लगा दिया, लो की तो ज़रूरत है नहीं, और वैसे इतना मोमेंटम भी नहीं चाहिए, बट इससे क्या अपने टायर्स को ग्रिप अच्छी मिल जाएगी, गाड़ी स्किड नहीं करेगी बिल्कुल भी, ये फ़ायदा है। बाकी मोड कोई नहीं लगाया, नॉर्मल मोड पे ही चल रहे हैं, पानी बहुत आ रहा है अब। वैसे तो नॉर्मल भी चल सकती है, बट भाई जब गाड़ी में ये प्रोविज़न दिया है तो यूज़ कर लें, 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई आगे पीछे है भी नहीं यहाँ पे, गूगल को पता ही नहीं लग रहा है यार, गूगल गलत बता रहा है। और रास्ता है, लैंडस्लाइड हो रखी है भाई, देखना पड़ेगा रुक के भाई कहाँ से ये लैंडस्लाइड हो रखी है। या तो मैं साइड से निकालूं, नहीं नहीं साइड से तो निकल नहीं सकती, यहीं से जाना पड़ेगा। गई तो हुई हैं गाड़ियाँ, ये पत्थर हटाने पड़ेंगे, ये खड़ी अपनी गाड़ी, देखते हैं कुछ करता हूँ, ये पत्थर थोड़े साइड।
ओह निकल तो जाएगी गाड़ी। भाई मैसिव डिफरेंस है 4x4 लगाने के बाद ना, गाड़ी एकदम मस्त चल रही है, मस्त, कोई स्किड नहीं कर रही। और पीछे जहाँ से निकाली है वो एक ट्री गिरने वाला है भाई, जल्दी से चंचल पास पहुँच के और रिटर्न ले लेंगे, क्योंकि एक पेड़ गिरा और रास्ता बंद हो जाता है। और अभी 10 किलोमीटर है चंचल यहाँ से, बट अभी गाड़ी गई है एक दो जो गांव है आगे डूडरा कुवार, वहाँ के लोग जाते हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से ठीक है आगे फटाफट ही पहुँच जाओगे, 10 किलोमीटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पीछे तो भाई बहुत ख़तरनाक था वो रास्ता, सही जगह पर 4x4 लगाया अपन ने। देखो आप सामने पानी पानी है हर जगह, और स्लश रोड पे खूब है। अब नहीं टायर स्किड कर रहे बिल्कुल भी, मौसम बदल रहा है भाई लोगों, बारिश इज द लास्ट थिंग वी वांट, बारिश नहीं चाहिए अपने को बस, ना तो अपने को कोई व्यू दिखेगा और रिस्क और बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी पहले ही बहुत बह रहा है और रास्ता बड़ा खराब है। 20 किलोमीटर से तो बहुत ही ख़राब रास्ता चल रहा है, तो फटाफट पहुँचे और मौसम साथ दे दे, क्योंकि अब क्लाउडी सा होने लग गया इधर और कोई गाड़ी दिख नहीं रही है। भाई नज़ारे देखो, क्लाउडी क्लाउडी सा मौसम भी हो रहा है, बीच में धूप भी निकल रही है, लेकिन अगर इतने क्लाउड्स रहे तो अपने को नज़ारे कुछ दिखेंगे नहीं। रोड वैसे ही चल रहा है और 15 मिनट लगेंगी पहुंचने में, बस पहुंच ही गए। टोटल अपने को अब तक 4 गाड़ियां दिखी हैं उस गांव के बाद, टोटल 4 गाड़ियां, जिसमें से 3 नीचे उतर रही थी, ऊपर चढ़ने वाली तो कोई गाड़ी नहीं दिखी अभी तक अपने को। भाई देखो क्लाउड्स के बीच में आ गए बिल्कुल, अब नीचे का दिखना बंद हो गया, हम तो व्यू देखना था अपने को, लेकिन ये एक्सपीरियंस कम नहीं है। देख लो भाई यहीं से नज़ारा देख लो, जितना क्लाउडी है जो दिखेगा दिखा सकते हैं भाई, ड्रोन उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि एक वो जो नीचे पेड़ गिरने वाला था ना वो बड़ा रिस्की था, तो इतना ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड अपन कर नहीं सकते और मौसम भी ख़राब हो रहा है। देखो भाई देखो, मैं इंतज़ार नहीं कर रहा ऊपर पहुँचने का, क्योंकि मौसम क्लाउडी और ज़्यादा हो सकता है, तो अभी से नज़ारे दिखा रहा हूँ गाड़ी से ही। देखो आप कमाल भाई, ओहो वाओ व्हाट अ रूट मैन, ये देखो नीचे वो पानी भी जाता हुआ दिख रहा है, एक नंबर भाई एक नंबर। एक गाड़ी और दिखाई दी, गाड़ी दिखती रहती है तो बंदे को हौसला रहता है, वरना ये नो मैंस लैंड है, कब से कोई गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। इतना बड़ा पत्थर था और अपनी गाड़ी पे लगा भी है शायद, ये थोड़ा सा बच गए, मैंने एकदम ब्रेक मार ली, देखो कितना बड़ा पत्थर है। फाइनली भाई क्या हवा चल रही है, ये
ये देखो चांशल पास 3750 मीटर्स। क्लाउडी हो गया, वहां भी कुछ बना है ऊपर। ये देखो उत्तराखंड से आप पैदल आए हो क्या? अच्छा, वहां नीचे बहुत सारी थी, किधर देखी हमने? अच्छा, तो कैसे आते हो फिर? बस माल चुकाए और घर जाए गाड़ी पे। अच्छा, कितनी दूर है आपका घर इधर से? 100 किलोमीटर। तो गाड़ी तो नहीं जाती 100 किलोमीटर? बारह किलोमीटर पैदल जाते हो, बड़ी हिम्मत की बात है। आ जाओ पूर्विक, भागो नहीं। क्या जबरदस्त हवा चल रही है यार। हाँ, हवा बड़ी जबरदस्त है इधर। झंडे के पास चलो, आ जाओ। ये मिट्टी ढह जाएगी। भाई एक नंबर एक्सपीरियंस है आने का। रिस्की बहुत है, बारिश में बहुत रिस्की है आना, और बर्फ में तो आप आ ही नहीं सकते हो, बारिश में रिस्की बहुत है। नहीं नहीं, वैसे कह रहा था मैं, अपना भारत का फ्लैग लगा है। बाकी नज़ारे देख लो, मुंह से भाप निकल रही है मेरे तो, दिख रही है। ये देखो भाई नज़ारे, अब क्लाउडी हो गया है। दो विलेज है भाई इधर, एक डोडरा एक कुआर है, और डस्टबिन भी बना रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत गंद मचा ही रखा है लोगों ने यार। ऑसम भाई, ड्रोन नहीं उड़ा सकता मैं, हवा तेज है और क्लाउडी है, ठंड लग रही है। कि भाई अपनी गाड़ी वो खड़ी टैंक की तरह, बहुत बढ़िया, क्या लुक लग रहा है। कुआर दो विलेज इधर हैं कहीं आगे जाके। डोडरा मेरे ख्याल में पास है 20-25 किलोमीटर होगी, और फिर कुआर और 40 किलोमीटर है। एक साइड पे आपको उत्तराखंड के पहाड़ मिलेंगे, और एक साइड पे आपको किन्नौर वैली के पहाड़ दिखते हैं, बट क्लाउडी है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। चलो आ जाओ, थोड़ा सा इधर तो चलते हैं, कीचड़ से हटके साइड से आओ, तो इधर से हटके करो ना। एक नंबर है भाई चांशल पास, भाई बहुत एडवेंचरस है, हवा तेज चल रही है, बहुत एडवेंचरस है। और देख लो कोई नहीं है, दो अंकल हैं जो अपनी भेड़ वगैरह चराने के लिए आए हैं, और 100 किलोमीटर दूर है इनका गांव। तो बाकी नज़ारे आप कुछ देख लो भाई, भाई मैं क्या कह रहा था, पत्थर नहीं है कोई, इधर उधर गिर जाओगे। भाई जबरदस्त हवा चल रही है, चिल्ड मौसम है, कहने को 18 डिग्री से, बट रियल फील मुझे लग रहा है 15 डिग्री के आसपास होगा। और ये मान लो भाई दोपहर तक आपको यहाँ से वापस रिटर्न निकल जाना है, क्योंकि मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है, अभी क्लाउडी होना शुरू हो गया है। तो और अपनी चील फ्रेंड, मुँह से भी भाप निकल रही है बहुत सारी, मज़ेदार। बाकी भाई कि काफ़ी एडवेंचरस रास्ता है, तो देख भाल के आओ। मॉर्निंग में 7-7:30 बजे निकल लो, और बारिश के टाइम बहुत रिस्की रास्ता है, बहुत रिस्की। और वैसे तो सारी गाड़ियां आ जाएंगी, अगर वेदर ठीक है, बारिश नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, सारी गाड़ी आ जाएंगी। लग रही है ना ठंड? चलो ड्रोन उड़ाता, बट हवा चल रही है यार, क्यों उड़ाना है, और लेट भी हो रहे हैं, चिल्ड हो गए आज बिल्कुल। गाड़ी के साथ फोटो ले लेता हूँ एक। चलो हाँ, अकेले की ले जा, जबरदस्त एक्सपीरियंस है भाई। चांशल पास इज नॉट इजी, बट इज डूएबल, आप कर सकते हो किसी भी गाड़ी में, बशर्ते बारिश ना हो। बारिश नहीं होनी चाहिए बस, बारिश में बहुत रिस्की है। यही इसी इधर आगे खड़े हो गाड़ी के साइड, भागते नहीं है हाइट पे कभी भी ज्यादा। यहाँ तो वैसे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यहाँ तो बहुत ऑक्सीजन है।
कहाँ खड़े हो? कि भाई इधर कहीं से आए हम। बहुत जबरदस्त हवा है। मजेदार एक्सपीरियंस। कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई भी। गाड़ी का हाल देखो आप। मजेदार है भाई। चांशल पास एक नंबर, एक नंबर। गाड़ी घुमाते हैं।